उधर कैबिनेट में हाईकोर्ट द्वारा हटाए गए सीपीएस को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई है और ये मीटिंग लगभग 5 घंटे चली है। इसमें फैसला लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ लड़ा जाएगा। कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा कि हिमाचल सरकार ने जो नियुक्तियां की है थी वो 2006 के कानून के तहत की गई थी और असम के केस में सीपीएस की बात उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि जिस सीपीएस एक्ट को लेकर बीजेपी शोर मचा रही है, इसी एक्ट के तहत बीजेपी के सत्ता पाल सत्ती और सुखराम चौधरी भी सीपीएस रहे हैं। शुरू से चुनाव में जब से बाहर हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके को मानने को तैयार नहीं है। पहले उन्होंने धन बल से या फिर जो है दल बदलने के उससे या अनैतिक तरीके से असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास शुरू से करते रहे हैं, जिसमें जो है कई 150 करोड़ से ज्यादा पैसा भी खर्च हुआ बताया जा रहा है। और आज भी ये लगे हुए बड़ी बेशर्मी के साथ एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए लगे हुए हैं। अब जयराम जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी तो ये जो सीपीएस का कानून है उस समय भी तो था आपके समय में? आप अगर इतने मतलब जो है संविधान को मानने वाले हैं, सीपीएस के खिलाफ थे, तो आपने अपने समय में 5 साल के कार्यकाल में ये जो सीपीएस का कानून है इसको जो है हाउस में लाकर इसको जो रिपील क्यों नहीं किया? और आपके समय में बीजेपी के समय में 2008 से लेकर 12 तक जो सती जी जिन्होंने जो है इस केस को माननीय हिमाचल हाईकोर्ट में जो सीपीएस के खिलाफ उठाया था, वो खुद भी इसके जो है फायदा उठाकर पूरा 5 साल इसका मजा लिया इन्होंने। और जब ये सत्ता से बाहर हुए तब कहते हैं कि ये सीपीएस का कानून गलत है, उसी कानून को सही मानकर ये सारे सीपीएस बने बीजेपी के लोग। तो आज जयराम जी का ये कहना कि ये जो है असंवैधानिक है, ये जो है गलत है, ये सारी बात जो है केवल सत्ता पाने के लिए इनके तरफ से ये तर्क दिए जा रहे हैं। जब इनको मौका था, अगर ये गलत कानून था तो उसको रिपील क्यों नहीं किया गया 2000, जब ये 17 के बाद इनकी सरकार 2023 तक 22 के दिसंबर तक थी। जी का अपना ख्याल हो सकता है, सरकार का तो ख्याल ये कि क्योंकि कोई भी जो फैसला है वो अंतिम तभी माना जाता है जब आप सुप्रीम कोर्ट से उसका अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो हाईएस्ट लेवल पर इसका हमेशा के लिए फैसला हो जाए कि हमारा कानून गलत था या सही था। हमारे हिसाब से तो जो हमने सीपीएस का कानून बनाया, ये कानून बिल्कुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के परिणाम उसके तहत था, उससे बाहर नहीं था। क्योंकि जिस अन्य जो स्टेट्स के सीपीएस के केसों का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें आसाम का है, आसाम के केस में सीपीएस को मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि हमारे एक्ट में सीपीएस को कोई मंत्री का दर्जा नहीं है प्राप्त। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बाकी दूसरी बात है कि एक और जो है हमारे माननीय हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट 1971 का जो कानून है उस कानून को तो निरस्त नहीं किया है, परंतु उसके अंदर जो क्लॉज डी है 3D, जिसमें सीपीएस को उस के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा गया है, उसको भी उन्होंने जो है एक किस्म से इनवैलिड किया है। तो उसके बारे में हमें जो है सुप्रीम कोर्ट में इसका जो है